हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जेनेटिक कोड। ओके, सो बिफोर गोइंग टू जेनेटिक कोड और बिफोर स्टडिंग जेनेटिक कोड, लेट अस स्टडी अबाउट द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द सेंट्रल डोगमा। ओके, तो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। ओके, सो ये सेंट्रल डोगमा क्या है? तो इट इन्वॉल्व थ्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज डीएनए, देन आरएनए, देन प्रोटीन। ओके, सो इफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम द टेम्पलेट डीएनए, ओके, इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम द टेम्पलेट डीएनए, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ओके, रेप्लिकेशन। एंड इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ओके, सो देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एंड इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ओके, जैसा कि जो अगर न्यू डीएनए बन रहा है टेम्पलेट डीएनए से, then the process is called replication. If there is a formation of RNA from the DNA, then this process is transcription. And the formation of protein from the RNA, then this process is called translation. तो ये जो central dogma है, okay, it is very important, okay, in molecular biology, okay. Like अगर हम protein synthesis पढ़ेंगे, ठीक है, तो protein synthesis में क्या होता है, जो RNA होता है वो act as a template and then from the RNA there is a synthesis of the protein. Okay, so this central dogma of molecular biology, it is very important. Okay, so now we are coming back to the genetic code. So today, now we will study about the salient features of genetic code. Okay, so what are the salient features? So the first one is genetic code is triplet in nature. ओके, अब ट्रिपलेट से क्या मतलब है? ट्रिपलेट मतलब इट इज हैविंग थ्री न्यूक्लियोटाइड। ओके, फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक द एग्जांपल लाइक यू 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 ए यू जी 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 जी, ओके, सो आई हैव टेकन थ्री डिफरेंट कोडॉन्स, तो इट इज हैविंग थ्री न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, एंड दीज थ्री न्यूक्लियोटाइड इट मेक्स वन कोडॉन। ओके, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, टू, थ्री, एंड व्हेन दीज थ्री न्यूक्लियोटाइड दे मेक वन कोडॉन। ओके, लाइक हियर आल्सो थ्री न्यूक्लियोटाइड्स एंड देन इट मेक्स वन कोडॉन, हियर आल्सो थ्री न्यूक्लियोटाइड एंड देन इट मेक्स वन कोडॉन। ओके, तो कोडॉन क्या है? इट इज ट्रिपलेट इन नेचर। ओके, यानी कि इसमें क्या है, थ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ओके, जब ये थ्री न्यूक्लियोटाइड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वन कोडॉन। अंडरस्टूड? अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? तो जैसे कि कोई भी डीएनए, सपोज डीएनए है, ओके, या आरएनए मान लेते हैं, तो डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, यहाँ पे थाइमिन जो है वो यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है, एंड साइटोसिन। ओके, तो डिफरेंस डीएनए और आरएनए में क्या है, जो डीएनए में थायमिन होता है वो आरएनए में रिप्लेस होता है यूरेसिल से। ओके, तो थायमिन इज रिप्लेस बाय यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये किसका बना हुआ होता है, सो दीज न्यूक्लियोटाइड, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, नाइट्रोजीनियस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेस प्लस सुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ओके, सो न्यूक्लियोटाइड होता है किसका मिलकर बना होता है, एक नाइट्रोजिनस बेसिस प्लस सुगर और फॉस्फोरिक एसिड। तो इन थ्री कंपोनेंट्स को
ये थ्री कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दे कंबाइन एंड देन दे फॉर्म आ न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो इन नेचर हाउ मेनी टोटल पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर, सो वी विल सी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोडॉन्स, यानी कि जो टोटल नंबर पॉसिबल कोडॉन्स है वो कितने हैं। ओके, सो न्यूक्लियोटाइड आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड है, फोर। ओके, कितने हैं, फोर। अब जेनेटिक कोड का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है कि जेनेटिक कोड क्या होता है, वो ट्रिपलेट इन नेचर है, मीन्स इट इज हैविंग ओनली थ्री न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो इसकी पावर में क्या होगा, थ्री। सो 4 × 4 × 4, ओके, तो टोटल क्या होगा, 64। ओके, अंडरस्टूड ना, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोडॉन्स इज इक्वल टू 64, ठीक। आउट ऑफ विच 61 कोड्स फॉर अमीनो एसिड एंड द रिमेनिंग थ्री आर स्टॉप कोडॉन्स। ओके, मीन्स जो 61 है दे कोड फॉर सम स्पेसिफिक अमीनो एसिड एंड द रिमेनिंग थ्री, ओके, जो थ्री है लाइक UAA, UAG, UGA, दीज आर स्टॉप कोडॉन्स, मीन्स दे डो नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोडॉन्स आर 64, आउट ऑफ विच 61 कोड्स फॉर अमीनो एसिड एंड द रिमेनिंग थ्री स्टॉप कोडॉन, दे कोड फॉर स्टॉप कोडॉन्स एंड दे डोंट हैव दस पॉसिबिलिटी टू सिंथेसाइज एनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड, मीन्स दे कांट सिंथेसाइज एनी अमीनो एसिड, दे आर जस्ट स्टॉप कोडॉन फॉर जस्ट फॉर टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ओके, तो दिस इज अबाउट द जेनेटिक कोड, लाइक वाई इट इज ट्रिपलेट इन नेचर एंड हाउ मेनी पॉसिबल नंबर्स ऑफ कोडॉन्स। ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक्स ऑफ सम प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज अदर जो सेलेंट फीचर्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, लाइक हाउ प्रोटीन सिंथेसिस वर्क। सो नॉर्मली अब हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो प्रोटीन्स है वो सिंथेसाइज होती रहती हैं और डीजनरेट होती रहती हैं, ठीक। यानी सिंथेसिस यानी जो अमीनो एसिड्स हैं या प्रोटीन जो प्रोड्यूस भी होती हैं और साथ ही साथ क्या होता है उनका डिस्ट्रक्शन भी होता रहता है। तो अब सपोज हमारी बॉडी में किसी भी अमीनो एसिड या बोल सकते हैं कोई जो प्रोटीन है उसकी कमी है, तो क्या होता है जो डीएनए होता है, देन दिस डीएनए दिस गेट्स अ सिग्नल। ओके, तो डीएनए क्या होता है, इट गेट्स अ सिग्नल ऑफ दैट पार्टिकुलर अमीनो एसिड और वी कैन से दैट पार्टिकुलर प्रोटीन विच अवर बॉडी हैव टू सिंथेसाइज। ओके, देन दिस डीएनए इट जस्ट अनजिप द कोडॉन, ओके, या अनजिप द दैट स्पेसिफिक कोड ऑफ दैट प्रोटीन एंड देन दिस पार्ट ऑफ द कोड इज कॉपीड बाय द एमआरएनए एंड देन द एमआरएनए कॉपीड दैट कोड एंड देन इट गेट अटैच टू द राइबोसोम। ओके, सो आफ्टर दैट द अदर प्रोसेस स्टार्ट, लाइक इफ सपोज दिस इज अ एम आर एन ए मॉलिक्यूल, ओके, एम आर एन ए, सो इट इज हैविंग सम कोडॉन्स लाइक ए यू जी, यू यू यू, जी जी जी। ओके, सो दिस इज एम आर एन ए मॉलिक्यूल, वेन दिस एम आर एन ए मॉलिक्यूल इट कॉपी दैट स्पेसिफिक कोड ऑफ दैट प्रोटीन then it get attached to the ribosome, okay, then ribosome what it do, it reads the mRNA molecule in the 5 prime to 3 prime direction, okay, what ribosome do, it read the entire mRNA molecule in the 5 prime to 3 prime direction and then it start the process of translation. So there are some tRNAs present, okay, so there are about 60 tRNAs are there, 60 tRNAs are present. Okay, so what this tRNA do, this tRNA it bind specific
टू द कोडॉन. ओके, व्हाट डिस टीआरएनए डू? इट बाइंड स्पेसिफिक टू द कोडॉन एंड देन इट बाइंड देन then tRNA it bind specific to that code and then it synthesize the specific protein. This AUG it code for methionine. Okay, so it will synthesize methionine. After that second tRNA come, then it bind specific to the other codon. Okay, that is UUO. So it code for phenylalanine. Like that glycine, GGG is specific for glycine. Okay, so like that these amino acids are synthesized. So once these amino acids are get synthesized, then they join together by peptide bond. Okay, so ribosome it uses peptidyl transferase enzyme. Okay, so ribosome it uses peptidyl transferase enzyme which catalyze the formation of peptide bond. Means then जितने भी amino acid है उनके बीच क्या होगा, peptide bond बनना start हो जाएगा. ऐसे करके क्या होगा, polypeptide bond बन जाएगा. ठीक है, अब जब जो process होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, व्हेन इट गेट कंप्लीटेड देन राइबोसोम इट इंड्यूसेस अ सिग्नल एंड देन इट ऑर्डर द स्टॉप कोडॉन्स टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ओके, सपोज व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन हैज मेड, ओके, देन इट कम्स टर्मिनेशन कोडॉन और वी कैन से स्टॉप कोडॉन. ओके, लाइक UAA, UAG, UGA. Okay, then these stop codon, they just polypeptide chain. Okay, these stop codon, they terminate the process of translation by binding to some release factors. Okay, after which the protein molecule it gets released, or we can say the amino acid chain it gets released. So this is the basic process, like how the process of translation occurs. Okay, so after that we will see the other features of genetic code. Okay, so this is very important, this protein synthesis. Because of that, like, we can discuss the other features also. So it is very necessary that you people should know about the protein synthesis, because this genetic code is related with the protein synthesis. So now the second feature, what is this? This is degenerate. Means then genetic code is degenerate in nature. So what is the meaning of degenerate? Means a given amino acid is specified by more than one triplet codon. Okay, so what is the meaning of degenerate? So genetic code is degenerate, means a given amino acid is specified by more than one triplet codon. For example, phenylalanine. Okay, so it is having two codons, like U, then UUC. So it is having two codons. If we talk about the isoleucine, then it is having three codons. That is AUU, AUC, AUA. Okay, so it is having three codons. Means this codon can also code for phenylalanine amino acid. UUC also code for phenylalanine amino acid. Similar case here, AUU also code for isoleucine,
AUC iso, also code for isoleucine, and the AUA, it is also code for isoleucine. So the genetic code is degenerate, means one single amino acid can be coded by more than one codon. Understood? So here we will see some other amino acid also and how many codons they have. Okay, so suppose these are amino acids and this is number of synonyms codon. Okay, so first leucine, serine, arginine, they are having 6 codons. Okay, then glycine, proline, alanine, valine, threonine, they are having 4 codons. If we talk about isoleucine, it is having 3 codons. If we talk about methionine, tryptophan, it is having 1 codon. And the remaining amino acid, they are having 2 codons. Okay, so these are some amino acids. Okay, so which is having how many codons? This question mostly comes in all the exam, either it is CSIR or NEET. So leucine, serine, arginine, they are having 6 codons. Next, glycine, proline, alanine, valine, threonine, they are having 4 codons. Isoleucine is the only amino acid which is having 3 amino acids. Methionine, tryptophan, they are having 1 codon. Okay, isoleucine is having 3 codon, and the remaining amino acid like the phenylalanine, okay, they are having 2 codons. Okay, so अब इसी के बेस पे क्या होता है, एक क्वेश्चन भी आता है, पूछा जाता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल, इट इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन. ओके, सो इट इज हैविंग सपोज फिनाइल एलानिन और वी कैन से मिथियोनिन और ग्लाइसिन. ओके, और वी कैन से सिस्टीन. ओके, सपोज इट अ हाइपोथेटिकल, दिस इज अ हाइपोथेटिकल पेप्टाइड सीक्वेंस. So you have to calculate the number of possible nucleotide sequence. Okay, you have to calculate the number of possible nucleotide sequence in that peptide chain. Okay, so we know that phenylalanine, it is having 2 codons. Then you have to just multiply. After that, methionine, it is having 1 codon. Then glycine, it is having 4 codon. Then in case of cysteine, it is having 2 codon. So 2, 4 the 8, 2 the 16. So total 16 codons, or we can say 16 nucleotide sequence are there. Okay, or we can say 16 codons are there. Okay, so this is a polypeptide chain. This question mostly comes in CSI exam as well as in other like NEET exams. Okay, so this question is very important that you have to calculate the possible nucleotide sequence. So if we calculate in that peptide chain, then how many codons, or we can say nucleotide sequence, we are getting 2 to 4 to 8 8 to 16. So total possible jo nucleotide sequence hai wo kitne hai, wo 16 hai. Okay, understood. Kaise phenylalanine, it is having 2 codons. Methionine, it is having 1 codon. Glycine, it is having 4 codon. And the cysteine, it is having 2 codon. Okay, so total kya ho gaya? 2 1 2 2 4 8 8 2 16. So 16 total, there are 16 possible nucleotide sequences are present in this peptide chain. Okay, aa raha hai na samajh mein? So now we will study the other properties or other features of genetic code.
So we have studied three properties or three salient features of dentic coat. Now the next. First one is dentic coat is triplet in nature, and the another one is the dentic coat it is degenerate in nature. So what is next? Non-overlapping. So third important feature is the dentic coat is non-overlapping in nature. Matlab, the adjacent codon do not overlap with each other, and the position of nucleotide is fixed. Understood? So नॉन ओवरलैपिंग लैपिंग का मतलब क्या है? अगर दो कोडॉन है, सपोज ए यू जी यू यू ओ यू, तो दीज टू कोडॉन दे डोंट ओवरलैप विद ईच अदर एंड द पोजिशन ऑफ देयर न्यूक्लियोटाइड इज फिक्स्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक द एग्जाम्पल, देन इफ सपोज दिस इज ए यू जी, दिस इज यू यू यू. ओके, अब क्या होता है, ये जो दो कोडॉन है दे डोंट ओवरलैप विद ईच अदर. ओके, जो दो कोडॉन है दे डोंट ओवरलैप ईच अदर. अब ऐसा नहीं कि ये जो जी है ये इसके साथ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, या जो जी है वो इसके साथ मिलके इन तीनों के साथ मिल जाएगा तो ये नया कोई कोडॉन बना देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. यानी कि ये जो कोडॉन है ये सेपरेट रहेगा और ये कोडॉन बोथ विल रिमेन सेपरेट. ओके, एंड द पोजिशन ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड, सपोज दिस इज न्यूक्लियोटाइड, ओके दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड एंड दिस पोजिशन विल रिमेन फिक्स. मीन्स अगर ये कोडॉन, ये जो यू है, ओके अगर ये इस कोडॉन का पार्ट है तो ये जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा ये इसी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, मतलब इसी कोडॉन के साथ ही फिक्स रहेगा, तो यहाँ पर कोई ओवरलैप नहीं होगा. तो जो जेनेटिक कोड है इट इज नॉन ओवरलैपिंग. अंडरस्टूड ना? नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट फीचर और द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो नेक्स्ट इज द जेनेटिक कोड इज कॉमनलेस. अब इससे क्या मतलब है, जो जेनेटिक कोड है वो क्या है, कॉमालेस है. मीन्स देयर विल बी नो पंक्चुएशंस और कॉमा ना कॉमास इज यूज्ड इन द कोड. ओके, सो जेनेटिक कोड इज कॉमालेस, मीन्स देयर विल बी नो पंक्चुएशंस और कॉमास इज यूज्ड इन द कोड. If suppose when the process of translation start, means the process of translation start, then one by one these codon will lead each other. Okay, यानी कि एक करके क्या होगा, एक एक codon क्या होगा वो ribosome क्या है उसे read करेगा. यानी कि when the process of this transcription start, then the codon is read one after the another. Okay, then the codon is read one after the another without any breaks in between them. Okay, so when the translation begins, then each codon is read one after the another with no breaks between them. Okay, so if the process of translation begins, then each codon is read one after the another and in between no breaks should occur between them. For example, U A U G U U G G G. Okay, so transfer आने सबसे पहले आएगा. Transfer आने क्या करेगा, it bind specific to that codon AUG and then it forms the amino acid methionine. Okay, so when this trans
दिस ट्रांसफर आरएनए इट बाइंड स्पेसिफिक टू दिस कोडॉन एंड देन इट फॉर्म द स्पेसिफिक अमीनो एसिड दैट वी कॉल मेथियोनिन. आफ्टर दैट द अनदर टीआरएनए मॉलिक्यूल कम एंड देन अगेन इट बाइंड टू द दिस स्पेसिफिक कोडॉन एंड देन इट सिंथेसाइज फिनाइल एलानिन. ओके सो लाइक दैट दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू. लाइक फर्स्ट वन कोडॉन विल रीड, आफ्टर दैट द अनदर कोडॉन रीड एंड देन इन बिटवीन दीज टू कोडॉन्स ओके नो ब्रेक विल अकर. Okay, so no break will occur. Okay, so in between the translation of these amino acids, no break will occur. So this is called that the identity code is comma less, mean no punctuation, no break, or no commas are there. Okay, so now we'll study the next important feature. So our next feature is unambiguous. Unambiguous. तो genetic nature जो code है it is unambiguous in nature. मतलब each triplet codon specified a single अमीनो एसिड. ओके सो अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है, जो एक कोडॉन है वो क्या करेगा, एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एयूजी की, ओके सो इट कोड ओनली फॉर मेथियोनिन. ओके इफ वी टॉक अबाउट जी 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 then it code specific for glycine. If we talk about UUU, then it code specific for phenylalanine. If we talk about UGG, then it code specific for tryptophan. ओके सो अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है, ईच ट्रिप्लेट कोडॉन इट स्पेसिफाइज ओनली अ सिंगल अमीनो एसिड. फॉर एग्जांपल एयूजी, इट दिस कोडॉन इज कोडेड फॉर मिथियोनिन, दिस जीजीजी इज कोडेड फॉर ओनली फॉर ग्लाइसिन, यूयूयू इट कोडेड फॉर फिनाइलएलानिन एंड द यूजीजी इट इज स्पेसिफिक ओनली फॉर ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस. ओके सो दिस मीन दिस जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस इन नेचर. ओके नाउ वी स्टडी द नेक्स्ट यूनिवर्सल. अब यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि जो जेनेटिक कोड इज सेम फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से दैट अ पार्टिकुलर कोडॉन इज स्पेसिफिक इन ऑल लाइफ फॉर्म. लाइक ईच ट्रिप्लेट कोडॉन is specific in all life forms. Okay, means अगर suppose जो AUG है, if it is code for methionine in human, then in algae bacteria also. Archaea bacteria also the same codon will code. Okay, if there is UUU, if it is coding for phenylalanine, then the same will code in human also. Okay, in bacteria also, or we can say even in viruses.
आल्सो ओके सो द कोड इज यूनिवर्सल मीन जो जेनेटिक कोड है इट इज यूनिवर्सल इन नेचर मीन द इज स्पेसिफिक कोडॉन इफ इट दिस एयूजी इज इनकोडेड दिस मिथियोनिन अमीनो एसिड इन ह्यूमन देन द सेम कोडॉन स्पेसिफाई और सिंथेसाइज दिस पार्टिकुलर अमीनो एसिड इन अदर लाइफ फॉर्म्स आल्सो आइदर इट इन बैक्टीरिया और वी कैन से आर्की बैक्टीरिया और वी कैन से इन सम अदर फॉर्म ऑफ लाइफ ओके सो दैट्स वाई द कोड इज यूनिवर्सल इन नेचर ओके सो नाउ वील सी द अदर प्रॉपर्टीज सो वी हैव स्टडीड टिल सिक्स प्रॉपर्टीज नाउ सेवेंथ वन इज स्टार्ट कोडॉन ओके सो इन मैमल्स और वी कैन से ह्यूमन दे विल बी हैव सम इनिशिएटर लाइक स्टार्ट कोडॉन और कोडॉन विच इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ओके तो इन ह्यूमन एयूजी दिस इज अ स्टार्टिंग कोडॉन ओके इन ह्यूमंस और वी कैन से इन यूकैरियोट्स ओके सो स्टार्ट कोडॉन का होना बहुत जरूरी है ठीक है क्योंकि राइबोसोम क्या करता है सबसे पहले क्या करता है वो इनिशिएट करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस बाय यूजिंग द स्टार्ट कोडॉन ओके ओके सो अब जो नॉर्मली क्या होता है जितने भी ह्यूमंस है या बैक्टीरिया या जो भी आर्की बैक्टीरिया उसमें क्या है कि जो स्टार्ट कोडॉन ऑलमोस्ट सेम होता है ठीक है जैसे कि हम लोग अगर देखें अगर हम लोग आर्की बैक्टीरिया में तो उसमें क्या है मिथियोनीन क्या है वही क्या है स्टार्ट कोडॉन और हम कह सकते हैं स्टार्टिंग जो अमीनो एसिड जो सिंथेसाइज होता है वो मिथियोनीन हो जाता है एयूजी इसका कोडॉन है ठीक है बैक्टीरिया में क्या होता है इफ वी टॉक अबाउट द बैक्टीरिया देन इन बैक्टीरिया इट इज एन फॉर्माइल मिथियोनीन ओके सो एन फॉर्मल मिथियोनिन क्या होता है बैक्टीरिया केस में होता है ठीक है तो स्टार्ट कोडॉन का होना क्या है बहुत ही जरूरी होता है किसी भी ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए क्योंकि राइबोसोम क्या करता है वो पहले जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस को स्टार्ट करता है बाय रिकॉग्नाइजिंग द स्टार्ट कोडॉन और वी कैन से इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बाय यूजिंग द स्टार्ट कोडॉन ओके सो अलोंग विद दैट देयर आर सम आल्सो सम एक्सेप्शंस और वी कैन से सम अदर्स स्टार्ट कोडॉन लाइक इफ यू टॉक अबाउट जी यू जी ओके एंड द अदर इज यू यू जी ओके तो दीज आल्सो एक्ट्स एज स्टार्ट कोडॉन इन सम ओनली इन फ्यू एम आर एन एज ओके सो जी यू जी एंड यू यू जी दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ स्टार्ट कोडॉन बट दे एक्ट एज स्टार्ट कोडॉन ओनली इन द फ्यू एम आर एन एज ओके सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द टर्मिनेशन कोडॉन्स और वी कैन से स्टॉप कोडॉन्स ओके सो देयर आर थ्री स्टॉप कोडॉन्स लेट मी राइट यू ए ए यू ए जी यू जी ए ओके तो दीज आर कॉल्ड टर्मिनेशन कोडॉन्स ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मिनेशन कोडॉन्स तो इनका काम क्या होता है सो व्हेन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज अबाउट टू कंप्लीट देन राइबोसोम इट ऑर्डर द स्टॉप कोडॉन्स टू इट देन ऑर्डर द स्टॉप कोडॉन्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ओके देन दिस स्टॉप कोडॉन दे टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन by binding to some release factors okay so these three are the important stop codons they do not code for any amino acids but there are some exceptions also where these codon they can synthesize some amino acid also okay but here they do not code for any amino acids okay but exceptions are everywhere okay so This is called ochre. This is called amber. And this is called opal. Okay. So, जितने भी
सीएसआईआर क्वेश्चन हो गया या नीट क्वेश्चन एग्जाम पेपर में क्या होता है, इसके नाम भी पूछे जाते हैं कि यूएए का स्पेसिफिक नेम है क्या, उसका जो अल्टरनेटिव नेम क्या है। तो यूएए को हम लोग बोल सकते हैं ओकर, यूएजी को अंबर एंड यूजीए को ओपर। तो देयर आर दीज थ्री टर्मिनेशन कोडॉन विच हेल्प्स इन टर्मिनेटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, नाउ नाउ विल स्टडी द लास्ट सैलियंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड एंड व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, दैट इज कोलिनियरिटी। ओके, व्हाट इज दैट, दैट इज कोलिनियरिटी। सो कोलिनियरिटी, तो व्हाट इज मीन बाय दिस कोलिनियरिटी। ओके, सो इफ सपोज देयर इज डीएनए देन मेड अप ऑफ लीनियर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इफ वी टॉक अबाउट द प्रोटीन, देन मेड अप ऑफ लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, सो कॉलिनिटी का मीन क्या है? अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ लीनियर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एंड इन केस ऑफ प्रोटीन इट इज मेड अप ऑफ लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन। सो इफ देयर इज अ चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, देन देयर विल बी अ चेंज इन द करेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, अब अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, जो कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है, ठीक है, या एक न्यूक्लियोटाइड की जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाता है, तो क्या होगा, अब उसी सेम करस्पॉन्डिंग पोजिशन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा उसमें भी सेम चेंज आ जाएगा। तभी अगर कहेंगे म्यूटेशन होता है कोई न्यूक्लियोटाइड में, क्या होता है अगर कोई म्यूटेशन हो जाता है डीएनए वीएनए में, तो उसका न्यूक्लियोटाइड अगर वो रिप्लेस हो जाता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, तो देखते हैं जो पूरा स्ट्रक्चर प्रोटीन का वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं कोलिनियरिटी। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए एंड द पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस और द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज कोलिनियरिटी। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग द जेनेटिक कोड। ओके, सो दिस वीडियो इज नाउ गोइंग टू फिनिश बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑल द सेलेंट फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड, लाइक वॉट इज जेनेटिक कोड, वॉट आर द देयर फीचर्स, लाइक इट इज डिप्लेट इन नेचर, इट इज डिजेनरेट इन नेचर, इट इज अनएम्बिगुअस इन नेचर, लाइक दैट। सो दिस जेनेटिक कोड, नाउ द होल चैप्टर इज फिनिश्ड। सो नाउ इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर इट, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू, धन्यवाद।